हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है सम प्रेशर। इसको इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहा जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे इसके अर्थ क्या होते हैं, परिभाषा, उद्देश्य, विशेषताएं और इसकी उपयोगिता क्या होती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीएड फर्स्ट ईयर वालों के लिए। इसमें थर्ड पेपर में इससे एक नया क्वेश्चन हर साल जरूर आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। संप्रेषण का अर्थ, इसको इंग्लिश में मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने ज्ञान, हाव भाव, मुख मुद्रा तथा विचारों आदि का परस्पर आदान प्रदान करते रहते हैं। इस प्रकार से प्राप्त विचारों अथवा संदेशों को समान तथा सही अर्थों में समझने और प्रेषण करने में उपयोग करते हैं। आसान भाषा में कहें तो कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण का अर्थ होता है एक दूसरे से बात करना, अपने विचारों को, अपने व्यवहारों को, अपने तथ्यों को एक दूसरे तक पहुंचाना या आदान प्रदान करना संप्रेषण कहलाता है। इंग्लिश में बोले तो कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच पीपल एक्सचेंज देयर नॉलेज, गेस्टर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड आइडियाज़। इन दिस वे द आइडियाज और मैसेज रिसीव्ड आर यूज्ड टू अंडरस्टैंड एंड ट्रांसमिट देम इन द राइट सेंस। नेक्स्ट है संप्रेषण का अर्थ, इसको इंग्लिश में मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। संप्रेषण का शाब्दिक अर्थ, संप्रेषण अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतरण है या लैटिन भाषा के कम्युनिको से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है आपस में बांटना, किसी वस्तु में साझा करना या हिस्सों में बांटना होता है। कम्युनिकेशन इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिको विच मीन्स टू शेयर एमंग देमसेल्व्स और टू शेयर विद एनी डिवाइस। नेक्स्ट है संप्रेषण की परिभाषा, न्यूमर एवं समर के अनुसार इन्होंने कहा संप्रेषण में एक या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच तथ्यों, विचारों, स्वभावों अथवा भावनाओं का आदान प्रदान होता है। अकॉर्डिंग टू न्यूमर एंड समर, कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, गैथरिंग और फीलिंग्स बिटवीन वन और मोर पर्सन। थियो हैमन के शब्दों में इन्होंने कहा संप्रेषण एक दूसरे के मध्य सूचना एवं समझदारी बनाए रखने की प्रक्रिया होती है। इन द वर्ड्स ऑफ थियो हैमन, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ईच अदर। कीथ डेविस के अनुसार इन्होंने कहा संप्रेषण एक दूसरे के मध्य सूचना के आदान प्रदान करने एवं समझने की प्रक्रिया होती है। अकॉर्डिंग टू कीथ डेविस, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन ईच अदर। नेक्स्ट है संप्रेषण या संचार का उद्देश्य, इसमें 6 पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट है इसमें क्रियाओं का आदान प्रदान करना, इसको इंग्लिश में एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं। सेकंड है क्रियाओं में समन्वय, मतलब क्रियाओं के बीच संबंध बना रहे उसको संप्रेषण कहते हैं, कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्शंस। थर्ड है कार्यवाही, मतलब संप्रेषण के द्वारा कार्यवाही चलती रहे, इसको इंग्लिश में एक्सक्यूशन कहते हैं। फोर्थ है भ्रमों को हटाना, भ्रमों को हटाना मतलब भ्रमों को हटाने के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिमूविंग इल्यूशन। फिफ्थ है नीतियों को लागू करना, तो नीतियों को लागू करने के लिए भी संप्रेषण अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज। अभिप्रेरणा, सिक्स है अभिप्रेरणा, इसको कहते हैं मोटिवेशन, मोटिवेशन करने के लिए भी संप्रेषण बहुत आवश्यक होता है। नेक्स्ट है संप्रेषण या संचार की प्रकृति एवं विशेषताएं। संप्रेषण दोहरी क्रिया है, इसका मतलब क्या होता है, संप्रेषण सूचना भेजना अथवा सूचना को समझना भी एक संप्रेषण है, इसमें सूचना पहुंचाने के साथ साथ समझना भी आवश्यक होता है। इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिकेशन इज अ ड्यूल फंक्शन। सेकंड है संप्रेषण एक सतत क्रिया है, सतत क्रिया मतलब होता है हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, कम्युनिकेशन इज कॉन्टिन्यूअस एक्शन। थर्ड है अभिप्रेरणा का आधार, अभिप्रेरणा का आधार मतलब बिना संप्रेषण के आप मोटिवेट नहीं कर सकते किसी को, अभिप्रेरणा का आधार होना चाहिए, मोटिवेशन बेसिस। फोर्थ है संप्रेषण प्रवाह। फिफ्थ है संप्रेषण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सार्वभौमिक मतलब संसार के सभी लोग यह कर सकते हैं, कम्युनिकेशन इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। सिक्स है संप्रेषण विज्ञान एवं कला दोनों ही है, संप्रेषण साइंस और आर्ट दोनों है या विज्ञान कला दोनों ही है, इट इज बोथ अ साइंस एंड एन आर्ट। संप्रेषण एक सामाजिक प्रक्रिया है, संप्रेषण एक सामाजिक प्रक्रिया है, कम्युनिकेशन इज अ सोशल साइंस।
नेक्स्ट है संप्रेषण का संचार का महत्व आवश्यकता उपयोग। इसमें संप्रेषण का महत्व आवश्यकता उपयोग, अब चाहे इसका महत्व पूछे, आवश्यकता पूछे, उपयोग पूछे, कुछ भी पूछे, आप सभी को इन पॉइंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है व्यवसाय के सुचारू व कुशल संचालन हेतु आवश्यक। इसका मतलब होता है अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है, कम्युनिकेशन के बिना आप व्यवसाय को नहीं चला सकते हैं। सेकंड है प्रभावपूर्ण नेतृत्व हेतु आवश्यक। इसका मतलब होता है कम्युनिकेशन एक अच्छा नेतृत्व करने में भी आवश्यक होता है। प्रबंधनीय कुशलता में वृद्धि, प्रबंधन कुशलता में आपकी वृद्धि होगी। फोर्थ है योजना में सहायक होता है। किसी भी योजना बनाने में कम्युनिकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। फिफ्थ है जनसंपर्क में सहायक, मतलब होता है जनता में संपर्क करने में भी कम्युनिकेशन का रोल होता है, बहुत ही अधिक रोल होता है और यह बहुत सहायक होता है, जनसंपर्क में सहायक होता है। सिक्स है शीघ्र निर्णय एवं क्रियान्वयन। इसका अर्थ होता है शीघ्र निर्णय ले सकते हैं और कोई भी क्रिया इस पर कर सकते हैं। तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।